हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मिथ। लास्ट सेशन में हमने कोबोल के बारे में बेसिक चीज़ें समझी थी कि क्या कोबोल होता है, कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है उसमें, है ना। ये बेसिक थियोरेटिकल चीज़ें हम लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम अपने टिपिकल IBMI सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ सोर्स बना के देखेंगे कि कैसे सोर्स क्रिएट कर सकते हैं सी कोबोल के लिए, है ना, कौन से टाइप होते हैं उसके लिए। प्लस मैं आपको ये भी, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आप चाहो तो इसका ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे, आप सिंपली आप गूगल पे सर्च करोगे कोबोल ऑनलाइन कंपाइलर, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेम फॉर्मेट में अगर आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे भी रन करोगे तो वो आपका चल जाएगा, ठीक है। बट जैसा अभी तक हमने सारी सीरीज़ में IBMI सिस्टम को ही यूज़ किया है, तो इस कोबोल के लिए भी हम यहाँ पे ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे हम ये एमुलेटर, हमने ये सेटअप किया हुआ है जो एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन है, तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में भी एक सेशन आपको मिल जाएगा जिसमें हमने इसका डिस्कशन किया है कि कैसे एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन को इंस्टॉल किया जा सकता है, या कैसे इसके थ्रू हम को जिस नॉर्मली RPG लिखे हमने सोर्सेज बनाए थे वो कैसे बनते हैं, प्लस क्या क्या क्रेडेंशियल यूज़ होता है। जो अभी हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो PUB 400 जो पब्लिक सर्वर है ना, तो आप लोग भी उसके लिए क्रेडेंशियल रिक्वेस्ट कर सकते हो और उसी को यूज़ करके अपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसको प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो इस सेशन में जस्ट हम देखेंगे कि कैसे सोर्स क्रिएट होता है और सोर्स में जो लाइन्स होती हैं फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सोर्स क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे वर्क मेंबर PDM स्क्रीन पे, अगर सपोज आप इस स्क्रीन पे हैं तो यहाँ से आपको जाना है वर्क MBR PDM, ठीक है, वर्क मेंबर PDM, वर्क विद मेंबर यूजिंग PDM। अब इस स्क्रीन पे आपको क्या प्रेस करना है, F6 ऑप्शन लेना है। तो जैसे ही आप F6 ऑप्शन लोगे तो आपसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा और ये क्या स्टार्ट कर दिया इसने, स्टार्ट सोर्स एंट्री यूटिलिटी स्क्रीन STRSEU। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सोर्स मेंबर दे सकते हो। जैसे सपोज मुझे PGM2 नेम से प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा PGM2, ठीक है। फिर हमें लेना होता है सोर्स टाइप। अब जैसा हम मैंने बताया कि हम कोबोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम कोबोल से रिलेटेड दो ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे F4 प्रेस करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। तो कोबोल के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है CBL, एक है CBLLE, ठीक है। तो इसका अगर जैसे आपने CL आप लोगों ने पढ़ा हो तो CL में भी हम CLP या फिर CLLE यूज़ करते थे, राइट। जैसे यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिख पे रहे हैं, है ना, तो वैसे ही कोबोल के लिए क्या होगा, CBL होगा या फिर CBLLE। बहुत ही शॉर्ट वे में अगर बताऊँ तो CBLLE में आप ILE कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, CBL में ILE कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होते, ठीक है। बाकी और भी ऐसे यहाँ पर टाइप हैं, वो मे बी टाइम के साथ हम आगे कवर करेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि या तो आप CBL पे सोर्स बना सकते हो या CBLLE पे, ठीक है। हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे CBLLE पे, बट मैं आपको CBL के भी कुछ सोर्सेज बताऊंगा, बाकी टाइप भी नीड रहेगी तो वो अपन कवर कर लेंगे। तो यहाँ से आपको CBLLE कॉपी करके इधर पेस्ट करके एंटर करना है। तो सोर्स टाइप हमने डाल दिया, ठीक है, स्टेप क्लियर है। पहले आपने सोर्स मेंबर का प्रोग्राम नेम दिया, फिर आपने सोर्स का टाइप सेट किया जो है CBLLE। अब आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो। सपोज मैं लिख रहा हूँ टेस्टिंग कोबोल सोर्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आप रखो। इससे क्या होता है, आपका एक तो सोर्स प्रॉपरली मैनेज रहेगा, मेंटेन रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कोबोल सोर्स के डिस्क्रिप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि आपने वो प्रोग्राम क्यों बनाया था, ठीक है। इतना करके आपको सिंपली एंटर हिट करना है। अब जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपको इस तरह से एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे ये वाइट डॉट शो रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी आप टेक्स्ट लिख कर हटा सकते हो एक बार बाद में, जिससे क्या ये लाइंस आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये लाइंस आ गई। अब इन लाइंस में हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जो भी कोड आप लिखोगे वो यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद में सिंपल आपको करना फाइल, फाइल क्या करेगा प्रोग्राम को सेव करके बाहर आ जाएगा, एग्जिट कर दिया, बट अभी ये ब्लैंक प्रोग्राम है, ठीक है। तो देख रहे हो सोर्स का मेंबर का नेम क्या हो गया, PGM2, कोबोल टाइप है इसका और टेस्टिंग कोबोल सोर्स, इसमें टेस्ट हमारा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। वापस इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं। अब इस लाइन में कोड कैसे लिखते हैं, जैसे
अगर आपने आरपीजीएलई देखा होगा तो आरपीजीएलई का भी कुछ फिक्स फॉर्मेट के रूल्स होते थे, जहाँ पे हमें स्पेसिफिक लाइन पे उस कोड को लिखना होता था, है ना। उसी तरह से कोबोल के भी रूल्स होते हैं जो लाइन बाय लाइन अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से काउंट करना है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना एक कर्सर ओपन कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जैसे अगर आप ये लाइन मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, ये लाइन, ये जो पोर्शन है, ये स्टार्टिंग के 6 लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सीक्वेंस नंबर को। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं हमारे, ये 6 डॉट तक, ये रिप्रेजेंट करेंगे सीक्वेंस नंबर को। ठीक है, इसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन नोट की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे स्क्रैच पैड पे पढ़ोगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, 1 to 6 में लिखा है कॉलम नंबर्स रिजर्व फॉर लाइन नंबर्स। ठीक है, तो 1 से 6 पोजिशन तक जो रहेगी वो रहेगी लाइन रिजर्व लाइन नंबर के लिए। अब होता क्या है, कुछ टूल्स में जैसे अगर आप मेन फ्रेम से रिलेटेड कोई इम्यूलेटर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपके लिए लाइन नंबर ऐड करता रहता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे भी लाइन नंबर आ रहा है, तो वैसे ही ये 6 जो कि स्पेस रहेंगे वो रिजर्व रहते हैं लाइन नंबर के लिए। तो हमें यहाँ पे कोड नहीं लिखना, मेन जो कोड वाला पोर्शन है वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसको अपने को ब्लैंक रखना है या फिर लाइन नंबर यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, बट अभी के लिए आप ब्लैंक रखो, जैसे जैसे प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे उन सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, 6 तक का हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 7th पोजीशन। 7th पोजीशन किस लिए होती है, इंडिकेटर। इट कैन हैव एस्ट्रिक इंडिकेटिंग कमेंट। अगर आपने यहाँ पे 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक रखा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, कमेंट को। हाइफन, हाइफन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेटिंग कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाइफन। फिर आता है स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या इंडिकेट करेगा, फॉर्म फील्ड। ठीक है, तो जो 7th पोजीशन है वो किसके लिए फिक्स होती है, इंडिकेटर के लिए, जहाँ पे या तो आप एस्ट्रिक यूज़ करोगे या हाइफन या फिर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो 1 to 6 क्या यूज़ होगा, 1 to 6 होगा रिजर्व किसके लिए, लाइन नंबर के लिए, वहाँ हमें कोड नहीं लिखना। 7th पे या तो आप एस्ट्रिक यूज़ कर सकते हो अगर आपको कमेंट बनाना है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, या फिर आप कंटिन्यूशन के लिए हाइफन यूज़ कर सकते हो, स्लैश यूज़ कर सकते हो फॉर्म फीड के लिए। फिर आती है लाइन नंबर 8 to 11, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं एरिया ए। ठीक है, कोबोल की टर्म्स में इसको क्या बोलेंगे, एरिया ए, 8 to 11। यहाँ पे क्या होता है, ऑल कोबोल डिविजन्स, तो जितने भी कोबोल से रिलेटेड डिविजन होंगे वो आएंगे एरिया ए में। ठीक है, तो ये आपको काउंट करना पड़ेगा, जैसे 6 तक हमारा ये था, 7 ये वाला एरिया हो गया, ऊपर अगर आप देखो तो ये हाइफन के नीचे वाला, ये वाला पूरा एरिया कमेंट का, अगर आप यहाँ पे एस्ट्रिक लिखोगे तो कमेंट लाइन हो जाएगी, हाइफन में कंटिन्यूशन आ जाएगा और फॉरवर्ड स्लैश में हमारा कंटिन्यूशन फॉर्म फीड आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने एरिया ए, एरिया ए कहाँ से कहाँ तक है, एरिया ए रहता है 8 to 11 तक। ठीक है, तो 8, 9, 10, यहाँ से 8th ये है, 8th, 9th, 10th, 11th, 8 से 11 तक क्या हो गया, एरिया ए। फिर यहाँ से आ गया एरिया बी, तो ए देख रहे हो ऊपर, ये आ गया बी, बी एरिया में क्या होता है, 12 से 72 तक, ये रहेगा एरिया बी। ऑल कोबोल स्टेटमेंट मस्ट बिगिन इन एरिया बी, तो बाकी जो कोबोल स्टेटमेंट होंगे वो कहाँ पे आएंगे, एरिया बी पे आएंगे, जो है 12 से 72 तक। 73 के बाद में, 73 से 80 तक, ऑल्दो अब ये यूज़ नहीं होता, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें इन्फॉर्मेशन नोट करनी है तो वो आप लिख सकते हो इसके बाद में। ठीक है, आप यहाँ से काउंट करोगे तो उस पोर्शन के बाद में जो एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा वहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 6 लाइन रहेगी रिजर्व लाइन नंबर के लिए, हाइफन के नीचे वाले एरिया में आप क्या लिखोगे, एस्ट्रिक या फिर हाइफन या फिर फॉरवर्ड स्लैश, जिनका अलग अलग मीनिंग होता है, वो हम देख लेंगे सेशन में। फिर एरिया ए होता है जहाँ डिविजन आता है, और फिर आता है एरिया बी जहाँ पे मेन प्रोग्राम का पार्ट लिखा जाता है, और लास्ट वाली लाइन्स में आप कमेंट्स एक्स्ट्रा लिखना चाहो या कुछ भी इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन एरिया, इट कैन बी यूज्ड एज नीडेड बाय द प्रोग्रामर, तो जैसा प्रोग्रामर इसको यूज़ करना चाहे वैसा यूज़ कर सकता है। तो ओवरऑल ये सारी लाइन्स हमें पता होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम को बिल्ड करने से पहले। तो हमने क्या देखा सेशन में, कैसे प्रोग्राम क्रिएट होता है CBLLE का, सेम प्रोसेस में अगर CBL लिखोगे तो CBL सोर्स क्रिएट हो जाएगा, फॉर्मेट वहाँ भी वैसे ही आएगा।
ठीक है। इन केस अगर आपको फॉर्मेट शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे एफ़ लिख के एंटर करोगे तो इस तरह से एक फॉर्मेट लाइन आपकी वहाँ पे शो होने लगेगी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट लाइन से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आप कौन सी चीज़ कहाँ लिख रहे हो। रिमूव करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे जाके डी कर दोगे, आई थिंक रिफ्रेश करोगे तो भी वो रिमूव कर देगा उसको, है ना। ठीक है, तो ये तो हमने देखा बेसिक्स कैसे डिवाइड होता है लाइन्स, यहाँ पे सोर्स कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड फिर और फर्दर देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम एक एक चीज़ों को यूज़ करेंगे अपने कोबोल के लिए। तो आई थिंक ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।